प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को लेकर राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। हाल ही में हमीरपुर के दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर और बिलासपुर में सीटी स्कैन मशीनों के खराब होने पर चिंता जाहिर की थी, तो वहीं अब कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने सरकार पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाओं के बुरा होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय जनता ने भी सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को जल्द दूर करने की मांग की है। अगर मेडिकल कॉलेज की माने तो इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने की बात कर इतिश्री की जा रही है, जिससे जनता से सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेडियोलॉजी विभाग में आए दिन अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को खासी दिक्कत पेश आ रही है। हमीरपुर दौरे के दौरान आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और लोग भी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है, इसलिए दिशा कमेटी की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भी प्रस्ताव डालकर जल्द समस्या को हल करने के लिए कहा गया है। आपने ठीक कहा, जिला हमीरपुर में अगर सीटी स्कैन की सुविधा ना हो, मशीन खराब पड़ी हो, 20 साल पुरानी हो, तो चिंता का विषय तो है ही। इसीलिए हमने इसको दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था कि MRI की मशीन हो, सीटी स्कैन हो, ये सब लगे, क्योंकि जब तक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा तब तक उसको 18 महीने लगेंगे। तो 18 महीने तक हजारों लोग बगैर मशीन के रहें, ये उचित नहीं है। हमने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन डालकर भी प्रदेश सरकार को भेजने के लिए कहा है कि इसका जल्द से जल्द यहाँ पर सीटी स्कैन लगवा कर दिया जा सके, ताकि लोगों को लाभ मिले, क्योंकि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है। केंद्र बड़ी योजनाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, एम्स, PGI सब मैं केंद्र से लेकर आया, मोदी सरकार में नड्डा जी से सबसे लेकर आए, लेकिन अब जो यहाँ के स्थानीय हैं वो हमें राज्य की सरकार से करने हैं, और राज्य सरकार से हमने अनुरोध किया है कि वो ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। देखिए, हमीरपुर के बिलासपुर में भी नहीं है, बिलासपुर में भी सीटी स्कैन नहीं है, खराब पड़ी है, दो दो साल से खराब पड़ी है। इसलिए चिंता का विषय है कि आखिरकार अगर ये उपकरण नहीं होंगे, स्कैनिंग नहीं होगी, तो लोगों की आगे उपचार कैसे हो पाएगा। इसलिए इन मशीनों का रख रखाव की जिम्मेदारी भी और समय पर बदल कर नहीं लगाने की जिम्मेदारी भी विभाग को करनी चाहिए, और इसके ऊपर बड़े ध्यान देकर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर घेरते हुए कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री स्वयं मान रहे हैं, तो आम जनता किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रही है, इसका सहज ही पता लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा न करके इनसे भागने का हमेशा से ही प्रयास किया गया है। लगातार हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्रदेश के अंदर, वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, बदतर हालात हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम ये मुद्दा लगातार सरकार के समक्ष और जनता के समक्ष रखते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक रेफर स्टेट बन चुका है, लोग आज हमीरपुर जाएं, चाहे टांडा जाएं, चाहे शिमला जाएं, वहाँ से तत्काल तौर पे जो है वो डॉक्टर उन्हें PGI या चंडीगढ़ रेफर कर दे रहे हैं। और आज बड़े दुख की बात है, जहाँ सरकार को और सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको हिमाचल की जनता ने वहाँ पर बिठाया है, उन लोगों को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए। आज वही लोग अपनी सरकार पे जो है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहे हैं, हमीरपुर जिला और प्रदेश के जो अन्य कोने हैं जहां पर विकास होना चाहिए वो सब पिछड़ चुके हैं। अभी वर्तमान में केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमीरपुर पिछड़ रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है। तो आज डबल इंजन की सरकार जो हिमाचल की जनता ने चुनकर आपको वहां पर बिठाया है, उसके बावजूद आप जो है वो जनता के सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि हमारी सरकार में काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम आपके साथ सहमत हैं, मैं मंत्री जी के साथ सहमत हूँ कि उनकी सरकार में काम नहीं हो रहे। राज्य सरकार
हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है कि विकास अगर हुआ है तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और भाजपा के कार्यकाल में कुछ हुआ है तो प्रदेश पीछे गया है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जो हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, आज वो सांसद महोदय ने, मंत्री महोदय ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पे सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब पड़ी हैं, रेफर स्टेट बन चुका है। तो इससे ज़्यादा अब भारतीय जनता पार्टी क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? जब पहले अपनी अंतर्कला को सुलझाइए और जो जनता के हित के काम हैं उनके लिए आगे बढ़िए। जहां विपक्ष की जरूरत होगी विपक्ष खड़ा है, लेकिन वर्तमान में जो दोहरे कानून हैं और जो विकास में हमारा प्रदेश पिछड़ चुका है, देश पिछड़ चुका है, मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो मैंने कहा, और जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल, इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन असली मुद्दों से भाजपा के जो नेता हैं वो भाग रहे हैं। वक्त आने पर जनता जो है उनको, जिस प्रकार से वो जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं उसी प्रकार जनता भी उन्हें दूर भगाएगी। वहीं स्थानीय निवासी ओम प्रकाश, रमेश डोगरा व अश्विनी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि खराब मशीनों के सही ढंग से ठीक नहीं होने से समस्या बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार को मशीनों को ठीक करवाकर मरीजों को सहूलियत प्रदान करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल में ये मशीनें पुरानी हैं, इसीलिए इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। सरकार का फर्ज है कि हम लोगों को नई मशीनें प्रोवाइड की जाए विद नई टेक्नोलॉजी। जो बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, तो उसको भी बदला जाए। अल्ट्रासाउंड की बहुत पुरानी मशीन है ये, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। नई मशीन प्रोवाइड की जाए। सरकार के पास में किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की कमी है। है कि इन मशीनों की खराबी के कारण जो है ना, मरीज जो है ना इधर उधर भटक रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो प्राइवेट इसमें जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए या नहीं तो नहीं मंगवाया जाए। अगर नहीं ठीक होती है तो कहीं डिमांड देके नई क्रिएट की, नई डिमांड देकर मशीन उपलब्ध करवाई जाए। मैं सरकार से ही दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज की अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं, उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। या तो इनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, या अगर ठीक नहीं होने वाली हैं तो इनकी जगह नई मशीनें रिप्लेस की जाएं, ताकि आम जनता को जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ना भुगतना पड़े। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी या नई मशीनें लगाई जाएँ या इनको ठीक किया जाए। वहीं इस संबंध में MS डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने कहा कि रेडियोलॉजी विभाग में मशीनों को ठीक करवाने के लिए कंपनी को सूचित कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अब ठीक करने से मना कर दिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार से मशीनों को ठीक करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है, क्योंकि बार बार मशीनों के खराब होने से सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही जो हमारा सारा जो इक्विपमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारा एग्रीमेंट हुआ है कंपनी है नेक्स्टजेन से। रिपेयर की जो जिम्मेवारी है उस कंपनी की होती है। उस कंपनी को इन दोनों मशीनों के बारे में अवगत करा दिया गया है, टेलीफोन के माध्यम से भी और लिखित ऑनलाइन भी इनको करा दिया गया। कंपनी वाले लोग आए भी थे, अल्ट्रासाउंड को भी देखा उन्होंने, और अल्ट्रासाउंड मशीन को भी और सीटी मशीन को भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई है। हमने यहाँ इस ऑफिस से भी, अपने ऑफिस से भी उनको एक लिखित चिट्ठी जो है वो डाल दी है डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को, कि ये जो मशीनें हैं इनको ठीक ये नहीं कर पा रहे, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो ये ठीक किया जाए इनको। अगर नहीं तो इनसे इस तरह का करार जो है वो उसकी क्या वैधता रह जाती है अगर ये ठीक नहीं कर पाते हैं। तो हमें अवगत करा दिया गया डिपार्टमेंट को। तो 3 नई मशीनें अल्ट्रासाउंड की हमें आने की संभावना जल्दी से जल्दी है, जो कि आज उसका पता लग जाएगा कब आएगी। और साथ ही एक चौथी जो है वो एक्सरे मशीन, ये 4 चीज़ें आज ही पता लग जाएगा, जेम पे ऑर्डर कर दिया गया है। और एक बड़ी डिजिटल मशीन जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, उसके ऑर्डर भी कर दिए गए हैं, और डिजिटल एक्सरे जल्दी से जल्दी लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा 15-20 दिनों में, उसका ऑर्डर भी हो गया है। तो 2 एक्सरे मशीनें और 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ नई आ जाएंगी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी सुविधा शुरू हो जाएगी मिलने।